क्या कर रही है मम्मी? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप उम्मीदें अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप सबको ईद चांद रात बहुत बहुत मुबारक, और हम जा रहे हैं ईद की तैयारी करने के लिए। ये देखो मैंने दूध मंगा के रख ली थी, इंतज़ाम ऐसा नहीं है, मुझे भी पता है कि इंतज़ाम कैसे होता है। मैं सारे इंतज़ाम करके रखी हूँ, मैंने मटर ला के भर दी, चिकन ला के भर दी, उसके बाद फिर मैंने ये देखो दूध, ये 10 लीटर दूध है। आज मैंने सोची 10 लीटर दूध का बनाती हूँ, क्योंकि मैं बाकी और सूखा सब्जी बनाने का है, तो बताते हैं आप लोग को इंशाल्लाह। सारा कैसे काटोगे इसको? मैंने अभी पहले तो चोप धोई, उसके बाद चोप को अच्छे से सुखा दी मैंने, ऐसा सुखाया कि थोड़ा सा पानी नहीं रहना चाहिए। फिर सबको देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ये मैंने किया, और इसमें ऐसे डालते जाओगे सब, ऐसे सब टोटल को मैं ऐसे काटूँगा, पहले थोड़ा काटती हूँ, उसके बाद इसमें जाने के बाद पूरा। अभी ये मैंने दूध उबाल लिया, देख डाल दी पूरा। हाँ थोड़ा दूध डाल दी हूँ, अभी ये उबल रहा है, अभी सेवई है, हाथी छाप। हाथी छाप? हाँ उसका नाम है हाथी छाप। बहुत अच्छा लगता है सेवई। अच्छा तुम लोग को मेरी स्टोरी पता है? नहीं। मैं बचपन से ही ना सब काम करने की बहुत आदी हूँ, आदी बोल सकते हो या फिर वक्त बोल सकते हो, वक्त भी बोल सकती हो, क्योंकि जैसे कि अभी मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, तो मैं बोलती ना बेटा तुम जाके मेहंदी लगा लो, तुम जाके कपड़े ले लो, तुम जाके खाना खा लो, तो ये सब मेरे साथ कभी हुआ नहीं। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं माँ के साथ कभी रही नहीं, इसलिए कुछ ऐसा वक्त होता जाता मुझे, मैं थोड़ा इमोशनल भी हो जाती, रोना भी आ जाता है मुझे, रोना मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैंने बहुत जिंदगी में दर्द बहुत देखी है। जब मुस्कुराहट है ना उसके पीछे दर्द है, पर मुझे जीना मेरे बच्चों के लिए है, इसके लिए मैं कभी भी एनी टाइम तैयार होती हूँ। इसको पता क्या करना है? अभी ये घी है, डब्बा क्यों नहीं लाती मैं, ये हरीफा ना पराठा बनने जाती है, आधा से ज्यादा जमीन में रहता है, इसलिए मैं ये जानबूझ के पैकेट वाले लेके आती हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि सिलकड़मा तो मैं काफी साल से बना रही हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं आज पहली बार बना रही हूँ, लेकिन ब्लॉग में पहली बार बना रही हूँ ईद का। अभी थोड़ा ही डालेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा घी घी भी अच्छा नहीं लगता है। और कभी भी ना समझते कि तुम पैकेट वाले दूध का क्यों बनाती हो सिलकड़मा, वो दूध का क्यों नहीं बनाती हो प्योर दूध का? कोई प्योर नहीं होता, सब सेम ही होता है, उसमें वो दूध जो होता है ना मुँह में चपचप होता है, जो हम बच्चे लोग को बनाना नहीं पसंद, उसके लिए मैं ये दूध के बनाती हूँ। अभी गर्म हो गया ना, इसमें मैं डाल दूंगा, अब इसको डालूंगी और इसको भून के बताती हूँ। ये हो गया, अभी लग रहा कि बहुत ज्यादा है। अब ये है मेरा चम्मच, देख अब इसको से तुम लोग भी सीख लो, तुम लोग भी बनाना पड़ सकता है। मैंने भून के बताते हैं, ये बोल लो कि दूध लगभग समझो उबाल आने वाला है, और वो सवाई तैयार हो चुका है भूनने में, लेकिन सवाई भूनने में ना फैलता बहुत है, गिरता बहुत है। हाँ इसके मतलब नहीं कि मैंने गुस्से से बनाई हूँ, मैं बहुत मोहब्बत से बनाती हूँ सवाई, क्योंकि ये तो अच्छी चीज़ है, ईद की खुशी में तैयार होकर जाएगी। और ये जो नहीं है, ये तीन चीज़ को उबालना पड़ता है, काजू मैसी काटे के बारीक बारीक, ये तीन चीज़ें उसको ये थोड़े से पानी में डाल के इसको गैस चालू करके डाल दूँगी। उबाल लेती हूँ, अभी दो हाथी छाप इसलिए ली हूँ क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा है, 10 लीटर दूध बहुत होता है। ये भी मुझे कम लग रहा है, नहीं दो है ना, कम लग रहा है, नहीं नहीं ज्यादा है, क्योंकि फिर ड्राई फ्रूट रहेगा, और तुमको पता है कि वो फैसू कैसे चाहिए, पीने वाला हो, तुम्हारे दोस्तों को चाहिए जो गाढ़ा हो, है ना? तो अपने दोस्तों के लिए बोल रही हो तुम, तुम्हारे दोस्त लोग के लिए गाढ़ा होना चाहिए। और तुम जानती हो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद किसकी माई लगती है? तुम लोगों की। और पापा को बहुत मीठा नहीं पसंद। अब ये हो गया ना, अब मैं ये खोलूंगी, सोचती हूँ इसका सोचू मैंने कि सूखा सब्जी बना लूँ, लेकिन सूखा सब्जी काट दो ना, ये हो गया, ये वो वाला सब्जी है,
और इसमें मिक्स नहीं कर सकते? नहीं, ये उसका नहीं है, ये अलग से मैंने आधा किलो लियो, इसका मैं सूखा सब्जी बनाऊंगी। तंदूरी मसाला, क्योंकि तंदूरी वाली बनाऊंगी। हाँ, जीरा राइस, मटन और तंदूरी और ये शीर खुरमा। बहुत नहीं, रिजा मम्मी की हेल्प करो, रिजा मेरी बहुत हेल्प करती है, ब्लॉग बनाना भी बहुत बड़ा हेल्प है। रिजा सही कर रहा है अभी। अच्छा, पापा को वैसे भी रमजान का महीना बहुत ज्यादा पसंद है। टाइम अभी रमजान का तहरी का हो रहा है ना, इसके लिए चांद रहते हैं। जैसे कि मैंने ये उगा ली थी, इसका मतलब एक झटके में निकल जाता है। अभी देखिए दोस्तों, अभी दूध जो मैंने वाले रखी थी बहुत अच्छे से उबल चुका है, ऐसा मैं भी भूल चुकी हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मेहनत लगता है इसको साफ करने के लिए, ये सब मैंने काट चुकी हूँ। अब मेरे घर में हर कोई सो चुका है, सिर्फ अकेले मैं जाग रही हूँ, एकदम सन्नाटा लग रहा है, देख सकते हैं सब सो चुका है, सिर्फ मैं जाग रही हूँ। तो मुझे अभी घबराहट हो रही है क्योंकि मैं अकेले जाग रही हूँ, तो मैं भी जा रही हूँ 2 घंटा सो जाने के लिए। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह बनाएंगे 2 घंटे के बाद सवे, मतलब शीर खुरमा। तो चले फिर 2 घंटे सो जाते हैं, बहुत सारी बात है आपसे करने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा YouTube की फैमिली 11,000 की हो चुकी है, अभी हमारे सब्सक्राइबर 11,000 कम्प्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें इतना पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। हाइट वगैरह मिल रहा था। जब भी मैं ज़्यादा कुछ बनाती हूँ ना, मतलब जो चॉप बहुत बड़ा लगे मुझे बनाने के लिए, तो मेरे हाथ से नहीं हो सकता है, तो मैं इस पर खड़ी हो जाती हूँ। मतलब आपकी हाइट इतनी छोटी है? नहीं, मेरी हाइट छोटी नहीं, नॉर्मल है, जो आज हाइट चलती है वैसी है। ये क्या है इसे? ये जो मैंने रात में सब सफाई की शक्कर, तुमको पता नहीं, तुम सो गई थी, मेरी थोड़ा देखो दूध कितना। अभी इसको कैसे बनाते हैं? देख, सब मिक्स करके अब इसको अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देख, बगैर ईद का बनाओगी ना इतना अच्छा नहीं बनता है, ईद का नहीं होता। देखो बेटे इधर, देखो एकदम ब्राउन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ। ये बहुत है, बहुत है, ये जो बहुत बड़ा है ना, इसके लिए नीचे दिख रहा है, बहुत बड़ा है, पूरा पेट बड़ा हुआ है। चाय बन रही है, देखो मम्मी गई है पापा को कपड़ा देने के लिए, क्योंकि वो लोग जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया। और ये दिखने में हल्का लग रहा था लेकिन बहुत हैवी है, मुझे तो हिल भी नहीं रहा, पता नहीं मम्मी लोग कैसे कर लेते हैं। शक्कर मैंने इसी बॉल में निकाली थी, पर एक नहीं पड़ेगा, कम से कम ये 3 बॉल पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन मैं 3 नहीं डालूंगी, मैं 2 ही डालूंगी, क्योंकि पापा को ज्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो
थोड़ा हाफ करके डाल दो ना। नॉर्मल मीठा रहेगा इसे। अब एक हाफ डाल दो तुम्हारे बोलने पे, तुम्हारा मान रखने के लिए डाल दियो, तुम्हारा प्यार मीठा हो जाएगा। ठीक है, कल अच्छा लगा ना चला। तो देखिए आप लोगों ने शीर कबाब बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, बस क्वांटिटी ज़्यादा हो तो मुश्किल है। हाँ, उठाने के लिए बहुत तकलीफ हो जाती है, इसके लिए मैं वो टेबल लगाती हूँ। तो आप लोग अभी खड़ी हूँ। हाँ, आप लोग ये हो सकते हैं कि टेबल पे खड़ी हुई है, शायद इसकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होगी, तो इसलिए। अभी ये देखिए ये रुजदा के नमाज के लिए कपड़ा है, वो कभी भी पहले नमाज के लिए पहनती है। रुजदा देखो इधर, और उसके बाद फैज के डैडी जब भी बाहर से आते हैं तो उनकी आदत है नमाज पढ़ के आने के बाद मतलब इडली डोसा मेंदू वड़ा ये सब उनका फिक्स है। बहुत रश होगी ना वहाँ पे, क्या बात है। मेरे लिए लाए पापा। कैसे हैं दोस्तों आप सब, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का ईद बहुत अच्छे से गया होगा। अल्लाह करे आप लोग सब अच्छे रहें, क्योंकि हर किसी का रिश्ता अच्छा अच्छा रहे। मैं दिल से दुआ करती हूँ, क्योंकि अच्छे रिश्ते के लिए मैं बहुत तरसती हूँ ज़िंदगी में, इसके लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबके रिश्ते अच्छे रखे। ये हमारा ईद का ड्रेस कैसा लग रहा है आप लोग को, उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अच्छे से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए, क्योंकि आप लोग ही हमारा परिवार है, आप लोग से हमें उम्मीद है। बाकी क्या बताऊँ, बस कुछ दिल में है तकलीफ़ जिस बात जुबान पर आ जाती है, और कोई बात नहीं, चलिए वक्त हर किसी का बदलता है, अल्लाह हर किसी का वक्त बदले, हमारा भी उम्मीद है बदलेंगे। चले कोई बात नहीं, जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ है। बस ये ईद क्या होता है ना, ये इंसान को समझ में आता चीज तब आता है जब अपने माँ बाप होता है। पता है क्यों समझ में आता है, कि जब माँ बाप होते तो बोलते हैं अरे बेटा तूने मेहंदी लगाई क्या, तूने कलर की क्या, तूने कपड़े ली क्या, तूने ये की वो की, आज ये कर ले वो कर ले, तो ईद की खुशी होती है। लेकिन अब शादी के बाद अगर अच्छे नहीं मिले, बात एक मिसाल दे रही हूँ, तो एक ही काम बचता है कि बर्तन धोए क्या, झाड़ू मारी क्या, पोछा मारी क्या, सफाई क्या की, बस इतना के अलावा ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहता है। बस इसकी वजह से थोड़ा दिल भरा हुआ रहता है इंसान को, जो दिल करता है कि इंसान अपने के साथ उतार ले। चलिए अल्लाह हर बेटी की किस्मत अच्छी बनाए, हर किसी को ज़िंदगी में खुशी दे, अच्छा रखे, बस ये मेरी दुआ है। ओके, अगर आप हमारे फैमिली पर फर्स्ट टाइम है तो क्या पहले, फिर इसी के साथ में आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब की फैमिली 11,000 की हो चुकी है, और आगे जब आप लोग की दुआ रही, आप लोग का साथ रहा, तो इंशाल्लाह मिलियन में जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।